समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां और राज्यसभा सांसद ताजिन फातिमा पर बिजली चोरी के मामले में 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिजली विभाग ने ताजिन फातिमा पर 26,32,268 रुपए राजस्व निर्धारण और करीब 3,40,000 का समन शुल्क का जुर्माना ठोका है। इससे पहले जांच टीम ने राज्यसभा सांसद ताजिन फातिमा पर बिजली चोरी का मुकदमा शहर कोतवाली थाने में दर्ज किया था। वहीं बिजली विभाग ने रिसोर्ट का बिजली पानी का कनेक्शन भी काट दिया है। हम सफर रिजॉर्ट में बिजली का कनेक्शन आजम खां की पत्नी और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर तजीम फातिमा के नाम पर है। रिसोर्ट में 34 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी मिली थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर आजम खां के हमसफर रिजॉर्ट में बिजली पानी की चोरी किए जाने की शिकायत की थी। शिकायत के तत्काल बाद जिलाधिकारी ने मौके पर बिजली विभाग और जल निगम के अधिकारियों की टीम भेज दी। जांच के दौरान पता चला कि रिजॉर्ट में 5 किलोवाट का कनेक्शन है, लेकिन मीटर में सिर्फ 3 किलोवाट का ही उपयोग हो रहा है। जांच के बाद बिजली विभाग के जेई राहुल रंजन ने आजम खां और उनकी पत्नी सांसद ताजिन फातिमा पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करने की तहरीर शहर कोतवाली में दी। पुलिस ने भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबरों के लिए बने रहिए दस्तक 24 के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।